हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं ये वीडियो टिकटॉक पे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो का एडिटिंग पीसी या लैपटॉप से किया गया है और फिल्मोरा सॉफ्टवेयर से या फिर इससे भी हाई लेवल सॉफ्टवेयर से एडिटिंग किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से काइन मास्टर अप्लीकेशन से एडिट करके बताऊँगा। इस पर आपको ये भी मैं बताऊँगा वीडियो को शूट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको देख सकते हैं हमने वीडियो जो शूट हुआ है रॉन्ग साइड शूट हो रखा है, तो हमें वीडियो को रोटेट करना होगा। सिंपल इस पर क्लिक करते हैं और इसे हम रोटेट कर देते हैं। देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है रोटेट हो चुका है। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने जो फर्स्ट गन शूट जो किया हो यहाँ पर शूट किया हो, तो यहाँ पर क्लिक करना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा था मैंने रिमूव कर दिया हूँ। इसके बाद इसमें हमारा ब्राइटनेस कुछ कम लग रहा है, तो हम थोड़ा सा हल्का ब्राइटनेस तेज कर देता हूँ। तो सिंपल इस वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कलर एडजस्टमेंट पर आएंगे, इसे हमें कुछ इस तरह से हल्का ज़्यादा कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 70 कर दिया हूँ। इसके बाद डन करते हैं। अब देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से है। इसके बाद लास्ट में देखना हमारा वीडियो ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। जैसे कि हम पैर ऊपर तक किए हैं तो यहीं तक का हमें सीन चाहिए। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं और ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं फर्स्ट गन मैंने कुछ इस तरह से शूट किया, सेकेंड गन कुछ इस तरह से शूट किया, थर्ड गन कुछ इस तरह से शूट किया और फोर्थ नंबर में कुछ इस तरह से शूट किया। बस यहीं तक का सीन चाहिए। इसके बाद मैंने कुछ इस तरह से आते हुए आगे की तरफ आया और कुछ इस तरह से आ चुका हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आप जो यहाँ से जो मैं यहाँ तक तो मैंने सही है, यहाँ तक आप नॉर्मल कपड़ा पहन लेने हैं और इसके बाद जब यहाँ से आपकी आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ से आपको कपड़े चेंज कर लेने हैं। यहाँ पे मत करना, जैसे कि यहाँ पे खड़ा होते हैं तो यहाँ पे आपको कपड़े को चेंज कर लेना है। कपड़े चेंज आप कर सकते हैं, कोई भी कलर का आप कपड़ा पहन सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम टू स्पीड टू प्ले हिट कर देते हैं। इसके बाद देख सकते वीडियो हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो गन शूट हो गया, सेकेंड में जैसे कि हम कुछ आगे की तरफ आते हैं इस पार्ट को हमें स्पीड करना है। स्पीड कंट्रोल पे आते हैं और यहाँ पे हम अपने को लास्ट में कर देना है। वीडियो आपका आप देख सकते हैं फर्स्ट में हमारा नॉर्मल है, सेकेंड में आते हैं तो हमारा वीडियो कुछ स्पीड में हो चुका है। इसके बाद और भी चाह सकते हैं तो और भी स्पीड कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो भी पार्ट चाहिए देख सकते हैं, हम सिर्फ इतना ही तक का चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से, सेकेंड पार्ट कुछ इस तरह से आया तेज़ी की तरह और मैंने इस पार्ट में आ चुके हो। तो देख सकते हैं यहाँ से हमारा वीडियो फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसमें आया, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। अब हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो इस पार्ट में क्या करना है, इस पार्ट में हमें यहाँ तक का स्लो मोशन चाहिए। जैसे कि हम चलते हैं तो स्लो मोशन करना है। तो देख जो भी पार्ट आपको चाहिए स्लो मोशन, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे और इस वीडियो को अपने को स्लो मोशन कर देना है। तो मैं यहाँ पर 0.5 कर देता हूँ। तो आप देख सकते वीडियो आपका कुछ इस तरह से स्लो मोशन में आया। इसके बाद मैंने पैर ऊपर की तरफ करता हूँ, बस यही तक का सीन चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है अपने हिसाब से ट्रिम टू लेफ्ट या राइट कर सकते थे। लेफ्ट साइड का पार्ट हमारा एक्स्ट्रा था तो मैंने ट्रिम टू लेफ्ट कर दिए हैं। ठीक है, हमारा वीडियो यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है। सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो पर क्लिक करेंगे आपको डिलीट कर देना है। आपको क्या करना है, वीडियो को आपको एक से दो बार जो आइडियो का लेयर है उसे आपको सिंपल प्ले करके देख लेना आपका गन शूट का साउंड जो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि देख सकते हैं हमारा गन का साउंड जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, सॉरी आइडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और जो लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है इसे हम रिमूव कर देते हैं। और इसके बाद कुछ इस तरह से गन जो शूट हो रहा है यही मेरे को सिर्फ साउंड चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को सिम टू राइट कर देते हैं। जो गन का साउंड है हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। इसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने गन शूट किया, इस पर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है। फर्स्ट गन का शूट कुछ इस तरह से किया और साउंड भी आपको ऐड हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, इस लेयर पे क्लिक करेंगे, आइडियो वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट ले लेंगे। इसके बाद सेकेंड गन यहाँ पर शूट किया, इस पर इस गन का शूट का साउंड को लेकर आऊँगा और यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। इस पर फिर से क्लिक करूँगा, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पर आएंगे।
इसका गन साउंड देखना है आपको कहाँ पे, फिर से यहाँ पे मैंने शूट किया, और इसके बाद इस गन साउंड को प्रेस करके रखेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तीसरा गन साउंड मैंने हो चुका है, देख सकते हैं फर्स्ट कुछ इस तरह से आया, सेकेंड कुछ इस तरह से, थर्ड कुछ इस तरह से, फोर्थ नंबर कुछ इस तरह से, तो आपको सही से एडजस्ट आपको करना है। मैंने यहाँ पर थर्ड का लेकर आता हूँ, फिर से डुप्लीकेट लेता हूँ, और आपको काफ़ी ध्यान से यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा गन साउंड का, ठीक है। इसे प्रेस करके रखते हैं या कुछ इस तरह से यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, देख सकते हैं फर्स्ट कुछ इस तरह से, सेकेंड कुछ इस तरह से, थर्ड कुछ इस तरह से, फोर्थ नंबर कुछ इस तरह से। मैंने चार बार गन शूट किया हूँ तो चार बार यहाँ पे शो कर चुका हूँ। गन साउंड आपको काफ़ी ध्यान से मैच करना है, यही आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि गन साउंड आपको मैच नहीं होगा तो ये वीडियो परफेक्ट एडिट नहीं हो पाएंगे। इसके बाद जैसे कि हम यहाँ से, इसके बाद आपको क्या करना है, ये तक हमारा गन साउंड हो चुका है, इसके बाद फिर से लेयर पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे, फिर से वही वीडियो को हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं हम यहाँ तक मैंने गन साउंड का काम हमारा हो चुका है। तो यहाँ से जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ से हम जैसे कि इस साइड आते हैं तो यहीं तक का सीन चाहिए। इसके बाद लेफ्ट साइड का मैं पार्ट जो एक्स्ट्रा मैं रिमूव करता हूँ, इसके बाद कैंची के निशान पर क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देंगे, वीडियो को डिलीट करते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ से मैंने यहाँ पर आया और इसके बाद कुछ इस तरह से आगे की तरफ चला, और इसके बाद शीशा तोड़ने का यहाँ पर साउंड आ जाएगा। तो शीशा तोड़ने का भी सीन आपको लेकर आना है। लास्ट में मीडिया पर आएंगे और इसके बाद वही वीडियो को फिर से हमें सेलेक्ट करना है। इस वीडियो को मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं जैसे कि ये पैर ऊपर की तरफ करता है, ऊपर किया बस, इसके बाद लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद इस साउंड को हमें म्यूट कर देंगे, ठीक है। आपका जो साउंड जो है शीशा तोड़ने का भी कुछ इस तरह से जो आवाज़ आता है इसमें ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। इसको एक्स्ट्रा जो साउंड है, एक्स्ट्रा वीडियो जो है लास्ट का, आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, ठीक है। आपका वीडियो यहाँ पर प्रॉपर ऐड हो चुका है, साउंड भी आ चुका है। अब क्या करना है आपको, इस स्टार्टिंग वाले वीडियो पे आना है, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना, इसमें हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम चलने लगते हैं, देख सकते हैं इस वीडियो में जो यहाँ पे मैंने यहाँ से ध्यान देना, यहीं पे आपको काफ़ी ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ से मैंने यहाँ आया और इसी पिक्चर में हम ऐड होंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट पर आना है और यहाँ पर डिलीट के ऊपर एक कैप्चर का ऑप्शन है, कैप्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ कैप्चर एंड सेव पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है आपको गैलरी में सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको चार इमेज को PNG में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है बैकग्राउंड इरेजर और सेकेंड में है पिक आर्ट एप्लीकेशन। तो मैं आपको यहाँ पे पिक्स आर्ट एप्लीकेशन से आपको PNG में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो इसे बैक करते हैं, बैक करने के बाद पिक आर्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो सिंपल में यहाँ पर आपको चार इमेज ज़रूरत है, तो मैं आपको एक इमेज को PNG में कैसे कन्वर्ट करते हो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो सकते हैं। तो सिंपल प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और जो आपने कैप्चर किए थे इमेज देख सकते हैं यहाँ पे आपको आ चुका है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल कटआउट पे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आ चुका है। आपको जो पार्ट चाहिए वो आपको रेड कलर में होना चाहिए, ठीक सिंपल। तो अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर आ चुका है, एक्स्ट्रा पार्ट को कुछ इस तरह से आपको हट रिमूव कर देना है। आपको जो यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सर चाहिए या फिर जो आप चश्मा पहन रखे हो, जो चश्मा का सीन चाहिए, तो सिर्फ चश्मा का आपको PNG में कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। तो काफ़ी ध्यान से आपको करना है, यदि एक्स्ट्रा हो जाता है तो आपको कुछ इस तरह से आपको जूम कर एडजस्ट आपको कर लेना है, ठीक है। तो मैंने एडजस्ट तो सही से लगभग कर दिया हूं। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर आपको काफ़ी ध्यान देना है और टाइम भी देना है, जितना आपको टाइम यहाँ पर दीजिएगा उतना बेहतरीन आपका वीडियो बन जाएंगे। सिंपल इसके बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर PNG में आ चुका है। सिंपल आपको करना क्या है, ड्रो पे आना है और सिंपल ड्रो पे आ जाना है और यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेव इमेज पे आ जाएंगे। फर्स्ट इमेज हमारा सेव हो चुका है, इसके बाद बैक करते हैं। बैक करने के बाद फिर से हमें इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर से हमें वही करना है, कटआउट करना है। मैंने फर्स्ट में मैंने सर का लिया, इस समय मैं जैकेट का लूँगा, ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना है, फिर से हमको वही करना है जैसे क्या फर्स्ट में मैंने किया था, कुछ इस तरह से कर देना। इस समय मेरे को सिर्फ जैकेट का चाहिए, फिर इस तरह से आपको एडजस्ट आपको कर लेना है। काफ़ी ध्यान से आपको टाइम यहाँ पर लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप जितना टाइम दीजिएगा उतना बेहतरीन ये बन सकते हैं आपके लिए, देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको ध्यान देना है, हाथ को हैंड को करना है, कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। अगर ये एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है तो कुछ इस तरह से आपको बैक कर लेना है या रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टाइम देना है, ठीक है। जितना टाइम दीजिएगा उतना टाइम उतना बेहतरीन ये वीडियो बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे एक्स्ट्रा हो जाता है तो एक्स्ट्रा को आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने जूम करके काफ़ी ध्यान से, तो यहाँ पे ऐसे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, तो मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। इसके बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखते हैं सेकेंड PNG हमारा हो चुका है। तो इसे भी हमें
ड्रॉ पे आना है, ड्रॉ पे आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेव इमेज पे क्लिक करेंगे, सेकेंड इमेज हो चुका है। अब हमें थर्ड इमेज चाहिए, थर्ड इमेज को मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चार इमेज इस तरह से आपको सेव कर लेना है। इसे फिर से हम बैक करते हैं, अब काइन मास्टर अप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद क्या करना है, देख सकते जैसे कि मैंने फर्स्ट में इसको गन शूट किया, यहाँ पे आपको सर लेकर आना है। तो आपको करना क्या, इस पोजीशन में आना है जहाँ से आपने पिक्चर कैप्चर किया था। ध्यान रखना इस बात को, 5.3 पे मैंने फ़ोटो को कैप्चर किया था। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद फर्स्ट में आपको जो आपने PNG में सेव किए थे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेके आता हूँ, सर को लेकर आता हूँ जैसे कि। और इसके बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे जूम इन जूम आउट करके एडजस्ट आपको कर लेना है, ठीक है। काफ़ी ध्यान से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लगना चाहिए कि हाँ रियल में है। यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है इसे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने गन शूट किया, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा जो है लेफ्ट साइड का ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो मैं आपको प्ले करता हूँ, जैसे कि मैंने गन शूट किया यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारा काम हो चुका है। इसके बाद फिर से गन शूट किए, तो यहाँ पे हमें फिर से क्या चाहिए, जैकेट चाहिए। आपको ध्यान रखना जैसे ही गन शूट करते वहीं पर लेकर आना। लेयर पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे, अब फिर से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जैकेट को। तो जैकेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। काफ़ी ध्यान से एडजस्ट आपको करना होगा, ठीक है। आपको जूम इन जूम आउट करके सही से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, काफ़ी ध्यान से एडजस्ट हमें करना होगा इस पर। और आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, काफ़ी ध्यान से। इसको जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, डन कर दिया हूँ। और इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पे आना है, जैसे कि मैं सेकेंड गन शूट करता हूँ तो यहाँ तक पे आता है, तो यहीं तक आना चाहिए। फर्स्ट में देख सकते हैं कुछ इस तरह से आया, सेकेंड में कुछ इस तरह से, तो सेकेंड में भी आ चुका है। इसके बाद फिर से हमें थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे जैसे गन शूट किया तो यहाँ पर हमें जीन्स चाहिए। सिंपल लेयर पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे। इसके बाद फिर से हम पिक कार्ट में आते हैं और यहाँ पर जो मैंने थर्ड मैंने PNG सेव किया था तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, काफ़ी बार देख सकते हैं फर्स्ट में गन शूट किया, सेकेंड में शूट किया, थर्ड में शूट किया, आ गया। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर में हमें लेकर आना है जूते का। लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे, जो आपने जूते को PNG में सेव किए हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जूते को, सिंपल देख सकते मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। और कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, काफ़ी ध्यान से आपको एडजस्ट करना होगा। यहाँ से जूम इन जूम आउट भी करके एडजस्ट आपको कर लेना है। तो यहाँ पे आपको टाइम देना है, वीडियो आपको आराम से एडिट करना है, 1 से 2 घंटे लगाना तो भी आप काफ़ी बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो कुछ इस तरह से, सेकेंड कुछ इस तरह से, थर्ड कुछ इस तरह से, फोर्थ नंबर में कुछ इस तरह से, ठीक है। हम जैसे कि अब यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर जैसे आए, अब इसमें जैसे एडजस्ट हुआ फोटो में, तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। इस पर आएंगे, इस वीडियो पर आएंगे और लास्ट पॉइंट पर आना है। और यहाँ से आपको जो भी एक्स्ट्रा साउंड है, एक्स्ट्रा वीडियो है, तो उसको आपको रिमूव कर देना है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और राइट साइड का ट्रिम टू राइट कर देना है सारे को आपको। तो मैंने यहाँ पे ट्रिम टू राइट कर दिया हूँ। तो सिंपल आपको मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। फर्स्ट में कुछ इस तरह से आया, सेकेंड में कुछ इस तरह से, थर्ड में कुछ इस तरह से, फोर्थ नंबर में कुछ इस तरह से। और जैसे आप कुछ इस तरह से आए और इस अंदर में प्रवेश कर चुके और यहाँ से आपको चलने लगे और पैर कुछ उस ऊपर की तरफ किए और यहाँ पे शीशा ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो लगभग आपको फाइनल तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो वीडियो है सारे वीडियो में ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ये वीडियो टिकटॉक पर फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी वीडियो का साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेह चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।